उत्तराखंड के सितारगंज में महिला अस्पताल में महिला चिकित्सा अधिकारी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सर्जन, बाल रोग आदि रिक्त पदों पर डॉक्टरों की तैनाती करने के संबंध में शहरवासियों ने उप जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। साथ ही शहरवासियों ने महिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक माह में डॉक्टरों की तैनाती न होने पर विधानसभा देहरादून का घेराव किए जाने की चेतावनी दी। महिला सशक्तिकरण के तमाम दावों के बावजूद लाखों महिलाओं के लिए महिला चिकित्सालय में 11 वर्षों से अधिक महिला डॉक्टर नहीं है। इस कारण महिलाओं को इलाज के लिए 45 से 100 किलोमीटर दूर बरेली या हल्द्वानी इलाज के लिए जाना पड़ता है। आपको बता दें कि सितारगंज एक इंडस्ट्रीज एरिया है जिसमें ट्रैफिक में भारी इजाफा हुआ है। इसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं भी अधिक घटने लगी है। कई एक्सीडेंट जैसी घटनाओं में तुरंत इलाज ना मिलने व डॉक्टर ना होने पर कई लोग अपनी जान गवा चुके हैं। पेश है सितारगंज के संवाददाता अनीस रजा की खास रिपोर्ट। देखिए, हम लोगों ने जो आज का ये विषय है, अब ऐसे तो जो है कि हर जगह हर विभाग में समस्याएं हैं, लेकिन आज जो हमने महिला, हमारे यहाँ एक चिकित्सालय है जो लंबे समय से जर्जर भवन वो बना हुआ है, उसमें जो है कि डॉक्टरों की तैनाती के लिए हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है। जो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं वो हमको खाली जो है कि झूठे वादे करके गायब हो गए हैं और वहाँ जन डॉक्टरों की तैनाती नहीं हो रही, उस बात को लेकर जो है कि आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो है ज्ञापन सौंपा है। हम जो है ये महिला चिकित्सालय में डॉक्टर तैनाती को लेकर मांग कर रहे हैं। करोड़ों रुपए लगाकर जो है बिल्डिंग सरकार द्वारा जो बनाई गई वो खंडर में तब्दील हो गई है। वहाँ पर लोग जो है छोटे छोटे बच्चे नशे का जो है नशा करने लगे हैं, क्योंकि झाड़ी झंकार होने की वजह से, खंडर होने की वजह से वो बेकार पड़ा है। हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर महिला चिकित्सालय की चिकित्सक की जो है तैनाती हो, और उसी के साथ ही हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी जो महत्वपूर्ण डॉक्टर हैं, जैसे कि बच्चों का डॉक्टर हैं, उसके अलावा जो है हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, सर्जन हैं, उन डॉक्टरों की तैनाती नहीं है। सिर्फ जो है सरकार सिर्फ जो है फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। लोग वहाँ पर जाते हैं, दुर्घटनाएँ घटती हैं, वहाँ पर सिर्फ मोहर रेफर की मोहर लगाकर जो है उनको रेफर कर दिया जाता है। सिर्फ रेफर केंद्र बनकर रह गया है। लगातार सरकार, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अभी इंटर कॉलेज जहाँ हमने आज धरना दिया, उसको धरना देने का मुख्य कारण ये भी था कि उसी पर आज एक साल पूर्व माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी आए थे और उन्होंने घोषणा भी करी थी कि हम बहुत जल्दी जो है महिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की तैनाती करवाएंगे। लेकिन 1.5 वर्ष का समय बीतने के बावजूद भी अभी तक समय से मांग करती आ रही है कि महिला चिकित्सक यहाँ तैनाती होनी चाहिए, जिसको सरकारों ने नज़रअंदाज किया है। तो सारी इस क्षेत्र की समस्याओं और महिलाओं ने बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया कि भी हमारी मांग उठाओ और महिला चिकित्सक तैनाती होनी चाहिए। उसी प्रेस में सब जनप्रतिनिधि ने मिलकर एक योजना बनाई कि भाई इस आंदोलन को खड़ा किया जाए और महिला चिकित्सक यहाँ तैनाती सारे कराई जाए। उसी की शुरुआत करते हुए रवि रस्तोगी जी के आह्वान पर आज महिला चिकित्सक तैनाती के लिए एक दिवसीय धरना राजकीय इंटर कॉलेज में दिया गया और माननीय SDM महोदय की तरफ द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया गया। आगे भी आंदोलन को बढ़ाते हुए जब तक महिला चिकित्सक तैनाती नहीं होती, ये आंदोलन जारी रहेगा।